नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सिविल लाइन के एक होटल में ठहरी भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कमरे से मोबाइल और लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी करने वाले को पुलिस ने दबोच लिया है। उसके पास से चोरी के 3 मोबाइल और सारी ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से आए चोरों के गैंग ने ये चोरी की थी। आम्रपाली दुबे अयोध्या में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में होटल ठहरी है। सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये घटना गुरुवार सुबह 9 बजे के आसपास की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में पाया कि होटल में आम्रपाली के कमरे का दरवाजा खुला था। उसी समय एक युवक कमरे में घुसा और 3 मोबाइल और जेवर लेकर कमरे से निकल गया। हरकत में आई पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर इस हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा कर दिया। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार चोर से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही इनके गैंग के और लोगों को पकड़ लिया जाएगा। शुक्रवार को सुबह प्रेस वार्ता में आम्रपाली दुबे ने बताया कि जब वह गुरुवार सुबह सोकर उठी तो चेक किया कि आखिर उनके मोबाइल फोन का अलार्म क्यों नहीं बजा। उनकी मां ने बताया कि उनके भी दोनों फोन नहीं मिल रहे हैं। मां का पर्स भी कमरे से गायब था जिसमें लाखों की ज्वेलरी थी। रात में सोते समय कोई कमरे में आया था। ये सोचकर दिमाग ने थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दिया। इसमें मैं काफी डर गई। मैंने होटल के रिसेप्शन पर बात की और उन्हें इस बारे में बताया। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। अयोध्या में तमिलनाडु से आए चोरों का गैंग सक्रिय है। तमिलनाडु के 2 चोरों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचाना और दबोच लिया। आम्रपाली दुबे इस होटल में अपनी मां के साथ ठहरी हुई है। उनके कमरे से लाखों रुपए की ज्वेलरी और मोबाइल फोन चोरी होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। मेरा यही था, मैं जगी और अपना फोन देखना चाह रही थी कि अलार्म क्यों नहीं बजा इसके लिए। तो जब दिखा नहीं, मैं देखा कि मम्मी का भी दोनों फोन नहीं है। तब तक मम्मी ने बताया कि उनका पर्स भी नहीं है। तो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई मुझे, क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वॉज वेरी स्कैरी। तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने नीचे रिसेप्शन पर बात की और पुलिस तब तक आ चुकी थी। मैंने बस अपने फ़ोन से नीचे फ़ोन किया था, तब तक मैं जब तक नीचे पहुँचे पुलिस आ गई थी वहाँ पे और सीसीटीवी फुटेज देखना चालू हो गया था लगभग 9 बजे के आसपास। मैं बस यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेके गया, कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आंख खुल जाती तो क्या होता, बस यही सारे थॉट्स मुझे बहुत डरा रहे थे। मैं सोई हुई थी एक्चुअली, सुबह मैं जगी थी और मेरे पापा का कमरा बाजू में ही था तो उनको दवाई देने गई थी तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस आके लॉक करना भूल गई, बस वही एक गलती हो गई मुझसे और फिर इतना सब हो गया। अब जो जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करी थी, प्रशासन के सब लोगों ने इतनी मदद की, इतना आश्वासन दिया मुझे दिन भर, जितने का सामान गया कोई भी आदमी पैनिक करने लगेगा और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। तो जब मुझे सर बोल रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आपको सब वापस मिल जाएगा, आप भरोसा करिए, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए, पर जो सामान चुराया है वो थोड़ी मिल पाएगा, मिलेगा 2-3 दिन बाद मिलेगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक 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 लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी तेज़ कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी।